प्यारी, तुम चाय नहीं पियोगी? मेरा व्रत है। फिर व्रत? आज का है का व्रत? आपको तो मालूम है। फिर होगी। एक बात पूछो सीमा। पूछिए। आरजू तो तुम्हें एक बच्चे की है, लेकिन व्रत 100 देवी देवताओं के रखती हो। अगर सबने खुश होकर तुम्हें वरदान दे दिया तो घर में बच्चों की फौज हो जाएगी। होने दीजिए। हैं? जानती नहीं आजकल हमारे देश की सबसे बड़ी मांग क्या है? ये किस अंधाधुंध बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए। पता है इस देश में हर रोज 50,000 बच्चे पैदा होते हैं, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी बढ़ती जाती है, उनके लिए ठहरी। ये बताइए, क्या बच्चे उन्हें बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी भी घर में एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। मेरी भी तो बस एक ही की कामना है। लेकिन तुमने कुछ हिसाब भी रखा है कि एक के लिए तुम कितने बड़ा कर चुकी हो? हालांकि ऐसा नहीं है सीमा कि एक बच्चे के अलावा तुम्हारे पास दुनिया में सब कुछ है, लेकिन मालूम होता है कि एक बच्चे को तुम दुनिया में हर चीज से ज्यादा चाहती हो। और ये नई चीज क्या आ गई सहन में? क्या लगा इस गमले में? तुलसी। तुलसी? ओफो भाई, कुछ ऐसी चीज बोई होती जिसे फल आते नहीं तो फूल खिलते, और उठा के लगा दी तुलसी। अब रोज सुबह इसे जल चढ़ाया करो। अरे झाका रही हो, बात सुनो। नहीं, आप हर चीज का मजाक उड़ा देते हैं, इसीलिए कुछ नहीं होता। अरे आनंद भाई, तुम्हें ज्योतिष में ही विश्वास नहीं है तो और किस चीज में? छोड़िए पंडित जी, ये सब ठग विद्या है। ऐसा न कहो आनंद भाई, ये तो आजकल के चटपुंजियों ने इसका नाम बदनाम कर रखा, जिसे देखो ज्योतिषी बना फिरता है। लेकिन मैंने भी एक तरकीब सोची, इन सब का पत्ता काट दूंगा। काटिए काटिए पंडित जी, आजकल ज्योतिषियों में बहुत कंपटीशन हो गया है। लेकिन आपकी तरकीब क्या है? आनंद भाई, मेरी तरकीब का जवाब नहीं, मैंने सोचा है कि एक ज्योतिष कार्यालय खोल डालूं और लोगों को उसका मेंबर बनाऊं, जो हर महीने चंदा दें और जब भी जरूरत पड़े फ्री मेरे पास आकर अपनी किस्मत का हाल पूछे। वाह पंडित, ये तो बिल्कुल नई तरकीब है। नई तरकीब क्या है, तरकीब तो वही पुरानी है। पहले जमाने में घरों के पुरोहित होते थे, यजमान होते थे, आज उनकी जगह मेंबर होंगे। आज के जमाने में हर चीज मॉडर्न होनी चाहिए ना। बिल्कुल, वाह वाह पंडित, इसमें तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी फंस जाएंगे। मैं भी घर घर घूम कर लोगों को फांसूंगा, मेरा मतलब मेंबर बनाऊंगा। सीमा बहन कहाँ? दिख नहीं रही, छत पर सूखे हुए कपड़े लेने गई है। वो आ गई सीमा बहन, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये अपने आनंद भाई को तो किसी चीज पर विश्वास ही नहीं, सच पूछो तो इनकी बुद्धि पर शनि की छाया पड़ रही, मगर तुम्हारी बात दूसरी है। ये लो, 101 दिन जाप करने के बाद ये ताबीज तुम्हारे लिए सिद्ध किया है, इसे गले में पहन लो तो तुम्हें 101 दिन के तप का फल मिलेगा। लेकिन पंडित जी, इन्हें फल भी तो बता दीजिए, मौसमी है या बेमौसमी? अरे भाई, मैं कोई मन घड़त बात नहीं कर रहा हूँ। सिद्ध होते ही ये ताबीज मैंने अपनी गाय के गले में बांध दिया और भगवान की कृपा से अब इससे एक छोड़ दो दो बच रहे हैं। तो आप ये ताबीज क्या अपने गाय के गले से खोल कर लाए हैं? हाँ भाई, तुम तो जानते हो कि आजकल हर चीज का तजुर्बा पहले जानवरों पर किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहन लो भाई, और साथ गले में घंटी भी लटका लेना। नहीं नहीं, घंटी क्या जरूरत है, घंटी क्यों पहनवा रहे हो जी? मैंने सोचा पंडित जी, सोचने का इसमें काम ही नहीं है। जाओ बहन, भगवान के पांव छूकर इसे गले में पहनो, लेकिन पहनने से पहले श्रद्धा अनुसार 1.25 रुपए से लेकर 7 रुपए तक किसी ब्राह्मण को दान कर देना। और ये मत भूलना कि मैं भी ब्राह्मण हूं। और आनंद भाई, ये ताबीज आपके लिए। मुझे तो माफ करो पंडित जी, न मालूम किस जानवर के गले से खोल कर लाए। ऐसा घोर कलयुग आ गया, ज्योतिषी पड़ोस में रहता और पड़ोसियों को भी ज्योतिष पर विश्वास नहीं। उधर घर में मेरी धर्म पत्नी है, वो जब देखो दिया सलाई लिए हुए मेरे पोथी पत्रों के पीछे पड़ी रहती।
अरे ओ सुइया की बच्ची, सुनती है कि नहीं? ये पोथी पत्ता ले जाके बनिए को दे दे, और कुछ नहीं तो नमक मिर्ची बांध देगा। माँ तुमने पिताजी से पूछती है? अरे मैंने आज तक तेरे पिताजी से पूछ के कोई काम किया है तो ये दिलदर निकालने के लिए पूछूंगी? मरो कमबख्तो, मरो कमबख्तो। अरे ओ सुना के नहीं, उनके आने से पहले ये सब ले जा, इन्हें देख देख कर मेरी जान चलती है। भाग्यवान तू, काहे को मेरा बंटा धार करने पर तुली हुई है?